चिनकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने चिनकी बौराज बराज परियोजना में सिलवानी तहसील के करीब 122 ग्रामों को शामिल कराया था, वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही सिलवानी तहसील के 122 ग्रामों को वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल के प्रयासों से शामिल कराया गया है। में सच्चाई तो सीधी है, वो खुद कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब के कार्यकाल में ये योजना स्वीकृत हुई, इसका शिलान्यास उदयपुरा में हुआ और इसके लिए हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री इस क्षेत्र के विकास पुरुष भैया रामपाल सिंह जी के प्रयासों से ये योजना स्वीकृत हुई थी और उन्होंने ही जब वो नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, नरसिंहपुर जिले से ये योजना बनी थी, उन्होंने रायसेन जिले के इन गाँवों को जुड़वाया और हमारे सिलवानी तहसील के 122 गांव उसमें जोड़े गए और उसका काम भी चुनाव के पहले शुरू हो गया था। हमारे क्षेत्र में बीकलपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी पाइप आ गए थे, पाइप अभी भी डले हुए हैं। काम जब ये पाइप डले थे तब भी हमारे विरोधी कह रहे थे कि ये पाइप डलवा के चुनावी स्टंट कर रहे हैं, तब इनको ये नहीं लग रहा था ये योजना पूर्व से स्वीकृत है। जब आज काम शुरू हो गया तो ये कह रहे हैं हमने ये योजना बनाई, ये सरासर निराधार बात है। मैं यही कहूंगा विपक्षी दल भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की बात नहीं है। वर्तमान में जो सिलवानी विधानसभा से जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, तो उनके अगर कार्यकाल में कोई भी योजना स्वीकृत होती है, उसी क्रम में मैं कहूँ 122 गांव जो चिंकी बौराज परियोजना के परसों स्वीकृत हुए हैं, तो वो क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में देवेंद्र पटेल जी के प्रयासों से या उनके करकमलों से जोड़े गए हैं। इसलिए इसमें विपक्षी दल कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है कहीं ना कहीं कोई भी योजना अगर उसके क्षेत्र में और उसके विधानसभा में आती है या जुड़ती है तो वो उसके खाते में आती है। हो सकता है कि कोई भी काम होता है तो उसको उसके लिए नींव पहले से डाली जाती है या उसकी तैयारियां पहले से की जाती हैं, लेकिन पूर्व में जो यहाँ से विधायक रहे या जनप्रतिनिधि रहे उनके कार्यकाल में वो योजना अगर जुड़ जाती या 122 गांव सिलवानी तहसील के शामिल हो जाते तो वो उसके लिए गांव-गांव जाके चुनाव में ढोल पीटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में 122 गांव कहीं ना कहीं सिलवानी तहसील के नहीं जुड़े हैं, अभी वर्तमान में जोड़े गए हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जनप्रतिनिधि जो है वर्तमान में वो उनके प्रयासों से और उनके कहीं ना कहीं सक्रियता से क्षेत्र के किसानों को और जो किसान गांव क्षेत्र में परेशान थे उनको निजात मिली है।